इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस होम्योज एंड स्टेसिस, इन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। होम्योज होता है लाइक एंड स्टैंड स्टिल, स्टेसिस की फुल फॉर्म, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंड स्टिल। तो किसी भी चीज़ का सेम रहना, स्टैंड स्टिल रहना, कॉन्स्टेंट रहना, उसको ही हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और ये टर्म दी थी साइंटिस्ट ने, वाटर कैनन ने। ओके, तो मेंटेनेंस, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट किस चीज़ को बोला है इन्होंने? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूड्स होते हैं। एक होता है जो सेल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूड। एक जो सेल से बाहर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड में आपका ब्लड भी आएगा, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूड भी आएगा। तो ब्लड को की जो पीएच है उसको मेंटेन रखना, पीएच को, स्मोलैलिटी को, उसके वॉल्यूम को मेंटेन रखना, बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट रहता है, उसको मेंटेन रखना। तो बॉडी में हर चीज़ को एक तरह से ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखना, उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस के लिए दो तरह की मैकेनिज्म होती है। एक होता है जो बहुत कॉमन मैकेनिज्म है और मोस्टली ऑर्गन्स में, मोस्टली बॉडी के सिस्टम में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है। यानी कि अगर सपोज़ करिए पीएच बढ़ रही है, तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म होंगी जो पीएच को घटाने का काम करेंगी। कोई सपोज़ करिए कि ऐसा है कि पीएच घट रही है, तो बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म होंगी जो पीएच को बढ़ाने का काम करेंगी। ऐसे अगर किसी हार्मोन का लेवल है, सपोज़ करिए थायराइड हार्मोन T3 T4, अगर इनका जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ने लग जाए, तो बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म होंगी कि उस T3 T4 के लेवल को डाउन करके, डिक्रीज़ करके उसको फिर उसी लेवल पर ले आएगा। अगर T3 T4 का लेवल बॉडी में कम हो रहा है, तो ऐसी मैकेनिज्म होंगी जो उसको फिर से बढ़ा के वापस उसी कांस्टेंट लेवल पे ले आएगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो उस टाइप की मैकेनिज्म है जो ज़्यादातर चीज़ों को, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन बॉडी में कुछ टाइप के मैकेनिज्म ऐसे भी होती हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कराती, मतलब उस कांस्टेंट लेवल को नहीं मेंटेन करती। अगर कोई चीज़ घट रही है तो घटती चली जाती है, बढ़ रही है तो वो बॉडी में बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये मैकेनिज्म यूजुअली क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैकेनिज्म हैं बॉडी में, या कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको काम कराने के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। जैसा फॉर एग्जाम्पल है पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी होना। तो डिलीवरी होने के टाइम पे यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है कंटिन्यूस, और बेबी बाहर आ जाता है। या फिर क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जब क्लॉटिंग होती है तो एक फैक्टर दूसरे को स्टिमुलेट करता है और वो वापस सारे फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता चला जाता है और वापस अपने आप को भी स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह के चीज़ों को हम, क्योंकि क्लॉटिंग करनी है और जल्दी से हमें क्लॉट बनाना है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ध्यान रखने की बात है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी में होम्योस्टेसिस को डिसरप्ट कराती है, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कराती, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट होती है बॉडी में कुछ फंक्शंस को कराने के लिए। तो सबसे पहले आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़िए, उनके एग्जांपल्स, और ये होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, और कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो होम्योस्टेसिस में हम पहले नेगेटिव फीडबैक देखेंगे। सपोज करिए कोई स्टिमुलाई आया, बॉडी में कोई भी स्टिमुलाई है, वो स्टिमुलाई किसी वेरिएबल को, जैसे जो चीज़ है वहाँ पे वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, उस वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा है अबव सेट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए T3 T4 का लेवल है, तो T3 T4 का लेवल एक सेट पॉइंट पे है। कोई ऐसी स्टिमुलाई आई बॉडी में जो कि उस T3 T4 के लेवल को बहुत ही बढ़ा रही है सेट पॉइंट से बाहर, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और वो मैकेनिज्म क्या करेंगे, क्योंकि बढ़ रहा था तो उसको वापस वेरिएबल को कम कर देंगी उनके फॉर्मेशन को, सो दैट ये वापस अपने ही लेवल पे आ जाए। तो दे इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल सो दैट वेरिएबल विल बी लोअर्ड बिलो द सेट पॉइंट, मतलब ये वापस नॉर्मल हो जा रहा है इसका मतलब। तो ये है आपकी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि स्टिमुलाई आई, वो वेरिएबल बढ़ रहा था, वो मैकेनिज्म अब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो मैकेनिज्म बढ़ने होने से, उन मैकेनिज्म के होने से जो वेरिएबल बढ़ रहा था, उस वेरिएबल को की फॉर्मेशन को घटा दे रहे हैं, सो दैट वो कांस्टेंट लेवल पे आ जाए। तो जैसे T3 T4 का लेवल है, अगर वो घट रहा है बॉडी में, तो मैकेनिज्म ऐसी होंगी जो कि उसको वापस बढ़ा देंगी। अगर वो बढ़ रहा है तो ऐसी मैकेनिज्म होगी जो कि उसको घटा देंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है TRH हार्मोन सिक्रीट होता है
कहाँ से सीक्रेट होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये होता है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट। ये क्या करता है? TSH को स्टिमुलेट करता है। TSH इज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है, ये पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो TRH इसके स्टिमुलेशन को बढ़ाता है TSH के। TSH का काम होता है कि ये T3 T4 के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। प्लस का मतलब है उसको इंक्रीज करना, तो ये इसको इंक्रीज करता है, ये इनको इंक्रीज करता है। अब अगर ऐसा ही होता रहे तो बॉडी में T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे हमने वहाँ कहा ना, स्टिमुलाई मतलब TSH स्टिमुलेट हुआ, उसने TSH को स्टिमुलेट किया, उसने T3 T4 को बढ़ा दिया। तो ये हमारा है वेरिएबल, तो यानी इस वेरिएबल का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, निगेटिव फीडबैक डेवलप होगी जिससे इसका फॉर्मेशन कम हो जाए। अब इसका फॉर्मेशन कैसे कम होता है, ये इसको भी एक निगेटिव फीडबैक डालता है और इसको भी निगेटिव फीडबैक डालता है, मतलब ये इसको इनहिबिट करने लगता है। यानी कि अब TRH का लेवल कम हो गया, तो TRH का लेवल कम हुआ और TSH का लेवल भी कम हो गया, ये इसको भी कम कर रहा है। तो TRH का लेवल कम हुआ, ये इसको स्टिमुलेट करेगा कम, तो अब TSH का लेवल भी कम हो गया। TSH का लेवल कम हो गया तो ये T3 T4 को कम स्टिमुलेट करेगा, यानी इनके फॉर्मेशन को कम कर देगा। ठीक है, तो उससे जो बढ़ा हुआ था ये वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। यही है हमारी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सपोज करो T3 T4 का लेवल बॉडी में कम होने लगा। अब अगर कम होता है तो ये इसको इनहिबिट कर रहा था। सपोज करिए कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 100 क्वान्टिटी है नॉर्मल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब ये सपोज करो कम होकर 10 हो गया। अब जो 100 चीज इसको इनहिबिट करती, अब 10 इसको कम इनहिबिट करेगी। कम इनहिबिट करेगी इसका मतलब है TRH इंक्रीज होगा। TRH इंक्रीज होगा तो TSH को इंक्रीज करेगा, तो T3 T4 को इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो यानी इसको नॉर्मल कर लेगा। तो इट मींस कि ये फीडबैक मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है कि जो भी वेरिएबल है अगर उसका फॉर्मेशन बढ़ रहा है तो फीडबैक मैकेनिज्म उसके फॉर्मेशन को कम कर देगी। अगर वेरिएबल का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो उसको कम कर देगी, कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा कर देगी। तो ये है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो स्टिमुलेंट को इनहिबिट कर रहा है। ये स्टिमुलेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट स्टिमुलेंट को इनहिबिट करता है। ये है हमारा निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। निगेटिव फीडबैक के और एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे? pH को मेनटेन करना, वॉल्यूम को मेनटेन करना। सपोज करिए वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बॉडी में क्या होगा, या सपोज करिए ब्लड का वॉल्यूम किसी तरह से कम हो रहा है, सपोज करिए डिहाइड्रेशन हो रहा है किसी पर्सन को और ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो बॉडी में मैकेनिज्म इस तरह की होंगी, जैसे थर्स्ट मैकेनिज्म होगी। तो थर्स्ट मैकेनिज्म से प्यास बढ़ेगी तो पानी ज़्यादा लेंगे आप, तो वॉल्यूम नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन या वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होना ज़्यादा होने शुरू हो जाएगा, तो उससे क्या होगा हमारा, उससे भी ये पानी जो है मतलब जो यूरिन से निकलता है यूरिन, तो वहाँ से ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये यूरिन को कम करता है, इसलिए वहाँ पर भी इसको मतलब सेव होगा, तो वॉल्यूम जो है आपका नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। ऐसे ऑस्मोलैलिटी, pH, वॉल्यूम, ऑस्मोलैलिटी, ये सब निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मेनटेन रहती है। बॉडी में पोटेशियम और सोडियम का लेवल वो भी मेनटेन रहता है। जैसे हमारा सेल है, सेल के होता है अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर की तरफ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम एंड क्लोराइड ज़्यादा होता है। होते दोनों तरफ हैं, मतलब यहाँ पे भी सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, यहाँ पे भी पोटेशियम होता है, पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है और सोडियम और क्लोराइड का लेवल कम है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड का लेवल ज़्यादा है, पोटेशियम का लेवल कम है। तो ये भी निगेटिव फीडबैक से ही मेंटेन रहता है कि अगर कभी पोटेशियम बढ़ना शुरू हुआ बॉडी में तो ऐसी मैकेनिज्म होंगे जिससे पोटेशियम कम हो जाए, और ऐसा ही है सोडियम और क्लोराइड अगर बढ़ रहे हैं तो भी वो मैकेनिज्म ऐसी होंगी कि सोडियम और क्लोराइड यूरिन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं या उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है जिससे सोडियम और क्लोराइड का लेवल नॉर्मल हो सके। BP रेगुलेशन, जैसे ही BP कम होता है किसी वजह से तो हमारे मेड्यूला में बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। ओके, सपोज करिए कि BP कम हुआ किसी वजह से, तो हमारे इसमें होते हैं बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स बैरोरिसेप्टर्स आप CVS के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बैरोरिसेप्टर्स आपके स्टिमुलेट होते हैं
और जब बैरोसेप्टर्स स्टिमुलेट, बैरोसेप्टर्स तो होते हैं यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी के, यहाँ पर बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी होती है, वहाँ पर बैरोसेप्टर्स होते हैं, तो वो बैरोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, फिर वो फाइनली मेड्यूला में बैरोसेप्टर बीपी का सेंटर होता है, उस बीपी के सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं. सो दे स्टिमुलेट द बीपी सेंटर इन मेड्यूला. ओके, और फिर वो क्या करते हैं, वो बीपी को वापस इंक्रीज करते हैं. तो जो बीपी कम हुआ था अब वो इंक्रीज हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया. तो ये नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बीपी बढ़े तो उसको घटाते हैं, घट रहा है तो बढ़ाते हैं. तो ये सब हो गए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ऐसे ही हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन, सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज TRH, TSH, T3, T4. तो ये हार्मोन्स का, T3, T4 का लेवल बॉडी में कॉन्स्टेंट रहता है बाय द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ऐसे ही होता है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये कहाँ से सीक्रेट होता है, फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस. फिर ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है LH एंड FSH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, तो ये इनको स्टिमुलेट करता है. और ये फाइनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं. लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनको इनहिबिट करते हैं और इसको भी इनहिबिट करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है. इसलिए नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल में हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट करना लिख सकते हैं, इसमें थायरॉयड का एग्जाम्पल लिख सकते हो और GnRH, LH, FSH एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एग्जाम्पल लिख सकते हो. नॉर्मल कंडीशन में बीपी रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, पोटेशियम और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ऑस्मोलैरिटी, pH, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ये सब कॉन्स्टेंसी जो मेंटेन हो रही है, ये हमारी हो रही है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है इसको क्लाउड बर्नार्ड ने नाम दिया मिलियो इंटीरियर. सो व्हाट इज मिलियो इंटीरियर, मिलियो इंटीरियर इज द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. ओके, अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के बारे में. अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है कि जिस स्टिमुलाई से कोई वेरिएबल बनता है वो वेरिएबल वापस उस स्टिमुलाई को ही स्टिमुलेट करना शुरू कर दे, सो दैट वेरिएबल का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बनने लगे, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. मतलब जैसे आपने कोई स्टिमुलाई है उससे कोई वेरिएबल का फॉर्मेशन हो रहा है और वो वेरिएबल का फॉर्मेशन सपोज करिए इंक्रीज हो रहा है, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, यानी इस स्टिमुलाई की वजह से ये वेरिएबल बनता जा रहा है. तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ये इस स्टिमुलाई को स्टिमुलेट करने लगे तो क्या होगा, ये स्टिमुलेट हुआ यानी ये स्टिमुलाई और ज़्यादा बढ़ रही है बॉडी में, तो जो फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब अगर आप देखो इसका वॉल्यूम तो, इसका जो लेवल है वेरिएबल का वो कांस्टेंट तो नहीं रहा, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, सेट पॉइंट से भी ऊपर बढ़ गया है, लेकिन ऐसा हमें किसी किसी रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, इसलिए ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. बट ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं करती है, बात ध्यान रखने की है. अब इसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं. सबसे पहले है पार्चुरेशन रिफ्लेक्स. पार्चुरेशन रिफ्लेक्स का मतलब है कि बेबी की डिलीवरी होता क्या है, नॉर्मली ये है हमारा यूट्रस और सर्विक्स एरिया, ये सर्विक्स एरिया है वुमेन का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. अब यहाँ पर बेबी का हेड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये बेबी का हेड है. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये बेबी हेड सर्विक्स पर प्रेशर डालता है, सॉरी ये बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स पर प्रेशर डालता है, ये कह सकते हो आप सर्विक्स की स्ट्रेचिंग करता है. सो बेबी हेड कॉजेस सर्विक्स स्ट्रेचिंग. ओके, अब ये जो सर्विक्स की स्ट्रेचिंग है ये क्या करती है, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी.
पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है, सर्विक्स की स्ट्रेचिंग जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है फॉर दी रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ से दो तरह दो हार्मोन निकलते हैं, एक एंटी डायबिटिक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन। तो ये सर्विक्स स्ट्रेच करके इस यहाँ से ऑक्सीटोसिन को निकलवाता है। ओके अब ये जो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा है ये यूट्राइन मायोमेट्रियम की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। यूट्रा जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रस को कॉन्टैक्ट कराने वाला हार्मोन है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करेगा, ये यहाँ की जो मायोमेट्रियम की सेंसिटिविटी है ये है यूट्रस की वॉल, तो ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेज दी मायोमेट्रियम सेंसिटिविटी। ओके और उससे क्या होगा, ये और कॉन्टैक्ट कराएगा, यूट्रस और कॉन्टैक्ट करेगा तो स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। ओके अब फिर से स्ट्रेचिंग बढ़ेगी तो फिर ये इंक्रीज होगा। तो अगर आप देखो तो एक दूसरे को इंक्रीज करते करते ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहता है और बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो ये है एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म का एग्जाम्पल। तो ये है क्या, बेसिकली सबसे पहले क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया, बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स को स्ट्रेच करेगा। तो बेबी हैड कॉजेस सर्वाइकल स्ट्रेचिंग। ओके अब ये सर्वाइकल स्ट्रेचिंग ने क्या किया, इट स्टिमुलेट्स द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन। फाइन ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन हुआ एंड ऑक्सीटोसिन कॉजेस अगेन इंक्रीजेज दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। निगेटिव फीडबैक में हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो स्टिमुलाई को इनहिबिट करता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन इसको स्टिमुलेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये क्या होगा, ये इसको बढ़ेगा, स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगी, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो गया तो स्ट्रेचिंग भी बढ़ गई, स्ट्रेचिंग बढ़ी तो फिर से ऑक्सीटोसिन और रिलीज हुआ। तो ऐसा करते करते फाइनली बेबी डिलीवर हो जाता है। फाइन तो कायदे में इसने ऑक्सीटोसिन के लेवल को कांस्टेंट नहीं रखा, ऑक्सीटोसिन का लेवल कंटिन्यू बढ़ता चला गया, इसने मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को भी कांस्टेंट नहीं रखा, वो भी बढ़ता चला गया, लेकिन ये हमें जरूरी था फॉर अ एक्शन। एक्शन क्या है, बेबी की डिलीवरी। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। दूसरा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नॉर्मली FSH एंड LH के लेवल को इंक्रीज करता है और वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कराते हैं। तो ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, ये इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, ये इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, बट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ये नेगेटिव फीडबैक इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव फीडबैक और उससे क्या होता है, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये एस्ट्रोजन जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन ये इसको उल्टा स्टिमुलेट करने लगते हैं, ये इसको उल्टा स्टिमुलेट करने लगते हैं। उससे क्या होता है, एलएच का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि एलएच का लेवल ओव्यूलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये ओव्यूलेशन को करा देता है, यानी कि ओवा को बाहर निकलवा देता है ओवरी से। तो नॉर्मली एलएच और एस्ट्रोजन का निगेटिव फीडबैक का रिलेशन है, एस्ट्रोजन कॉजेज अ निगेटिव फीडबैक ऑन एलएच एंड FSH, लेकिन जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन ये एस्ट्रोजन इस LHFSH को उल्टा इंक्रीज करने लगता है, बढ़ाने लगता है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है और उससे ओव्यूलेशन होता है। तो ये ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है, सो LH सर्ज। तीसरा एग्जांपल है हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, सपोज करिए फैक्टर नंबर 12 से हमारी क्लॉटिंग शुरू होती है, फैक्टर नंबर 12 फैक्टर नंबर 11 को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ये इसके फॉर्मेशन को बढ़ाता है, उसके बाद फैक्टर 10 यहाँ नहीं होता, पहले फैक्टर 9 होता है, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है। तो नॉर्मली निगेटिव फीडबैक देखे तो ये इसको इनहिबिट करना चाहिए, ये इसको इनहिबिट करना चाहिए, सो दैट इसका लेवल कॉन्स्टेंट रहे। बट क्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ये फैक्टर्स इतनी ज़्यादा मात्रा में स्टिमुलेट होने चाहिए, इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट होने चाहिए कि फाइनल क्लॉट बन जाए, है ना। फाइनल मैं इसका बना देती हूँ कि फाइनल हमारा क्लॉट बन जाए, क्लॉट फॉर्मेशन। अब फाइनल आपको क्लॉट फॉर्मेशन चाहिए तो आप चाहते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते चले जाएँ, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है बॉडी में, ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है, ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है, ये इसको भी पॉजिटिव फीडबैक देता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टिमुलाई को स्टिमुलेट कर रहा है, सो दैट इनका लेवल बॉडी में इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है फाइनली कि वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर सके।
इसलिए ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है. सो वन एग्जाम्पल इज पार्चुरेशन, अनदर इज एलएच सर्ज, और तीसरा आपका एग्जाम्पल है क्लॉट फॉर्मेशन. और एग्जाम्पल होता है एक्शन पोटेंशियल. अब क्या होता है, जब मेम्ब्रेन है उस पर नॉर्मली जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, कोई सेल है उस सेल की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है. ये कोई सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जब कोई स्टिमुलाई आता है यानी कोई मैसेज आता है किसी न्यूरॉन पर, सपोज करिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो उस पर होता क्या है, वहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं सोडियम के चैनल्स, और वो सोडियम इनके थ्रू अंदर एंटर करना शुरू करता है. सोडियम की चैनल की एंट्री होती है, सोडियम अंदर आना शुरू होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज होने लगता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. मतलब एक सेल में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, ये तो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और जब इसके ऊपर चार्ज ये उल्टा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. और एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल एक मैसेज को कैरी करने का तरीका है. न्यूरॉन के एक नर्व, जैसे सपोज करो कोई स्टिमुलाई आई नर्व के एक जगह से दूसरी जगह पर, जो इस मैसेज फैलता है वो एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रहता है. और ये किस वजह से होता है, सोडियम की एंट्री की वजह से होता है, बाय ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल. सोडियम चैनल की ओपनिंग होती है, उनसे सोडियम की एंट्री अंदर होती है. तो ये जब एक बार कुछ चैनल्स ओपन जब होते हैं सोडियम के, तो वो और सोडियम चैनल को स्टिमुलेट कराते रहते हैं, और वो जो बाकी हुए हैं वो सारे ही वापस उन सब चैनलों की ओपनिंग को बहुत देर तक बढ़ाते हैं और उनके एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं. तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है. तो आप ये कह सकते हो कि सम सोडियम चैनल्स ओपन, मतलब स्टिमुलाई आया, सम सोडियम चैनल ओपन एंड दे स्टिमुलेट द फर्दर सोडियम चैनल्स. ओके, और फिर वो भी वापस आपस में एक दूसरे को स्टिमुलेट करते रहते हैं. मतलब ये इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को स्टिमुलेट करते रहते हैं, और बहुत सारे एक्सेसिव सोडियम चैनल्स आर ओपन एंड फाइनली देर इज अ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन. तो वो भी एक एग्जाम्पल होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का. और एक लास्ट एग्जाम्पल इसका है, मतलब ऐसा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बट दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कैसे होता है, जो GIT में पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय HCl. ओके, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय HCl. लेकिन एक बार जब पेप्सिन बन जाता है तो वो फर्दर और जो पेप्सिनोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें पेप्सिन में कन्वर्ट कराने का काम करता है. ओके, तो एक बार जो पेप्सिन बना वो पेप्सिन, मतलब और पेप्सिनोजन के मॉलिक्यूल जो वहाँ पड़े हुए हैं उनको स्टिमुलेट करता है. अब ये क्या करता है, ये और जो पेप्सिनोजन के स्टिमुलेशन है उनको भी स्टिमुलेट करता है. तो ऐसे करते करते फाइनली पेप्सिन बहुत ज़्यादा बन जाता है. तो कुल मिला के जो पेप्सिनोजन बना है उसको कायदे में, जो नॉर्मली अगर हम निगेटिव फीडबैक की बात करें तो जिसने इसको बनाया है उसको इनहिबिट करना चाहिए. अगर ये मान लिया माइनस का चार्ज होता तो एग्जाम्पल होता है निगेटिव फीडबैक का. बट ये पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद में जिसने इसको स्टिमुलेट किया उसको और पॉजिटिव करता है, सो दैट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सिन रहे और हमारा डाइजेस्टन का काम प्रॉपर हो. ऐसे ही ट्रिप्सिनोजन का होता है. ट्रिप्सिनोजन से जब ट्रिप्सिन बनता है तो वो फाइनल ट्रिप्सिन जो है वो और भी ट्रिप्सिनोजन के मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करता रहता है, सो दैट फाइनली ट्रिप्सिन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो डाइजेशन को प्रॉपर करा पाते हैं. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. तो मेन बात ध्यान रखने की ये है कि निगेटिव फीडबैक में जो स्टिमुलाई है और जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट स्टिमुलाई को इनहिबिट करेगा, सो दैट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहे. अगर वो बढ़ रही है तो घट जाए, घट रही है तो बढ़ जाए, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाए. लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें स्टिमुलाई से प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट जो है वो स्टिमुलाई को पॉजिटिव फीडबैक देगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा. ये स्टिमुलेट करेगा तो प्रोडक्ट और ज़्यादा बनेगा. तो ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है एक्सेसिवली बनता जाता है वो होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल. और पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल कम है बॉडी में, जो कि किसी ना किसी फंक्शन को कराने के लिए होते हैं, लेकिन निगेटिव फीडबैक कॉमनली होता है जो कि ज़्यादातर चीज़ों को स्टिमुलेट, मतलब ज़्यादातर
जो बॉडी में वैल्यूज़ हैं उनको कांस्टेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे पीएच है, ऑस्मोलैलिटी, टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, हार्मोन्स रेगुलेशन, ये सारे निगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो हमने पढ़े हैं ये हैं हमारे पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस. थैंक यू.